पंचकुला में जन विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की है। रैली में पंचकुला से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सांसद रतनलाल कटारिया समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए हैं। जन विकास रैली में बीजेपी सरकार के 7 साल के विकास कार्यों को गिनाया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों और वृद्धावस्था पेंशन योजना के नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए हैं। जन विकास रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार अंत्योदय को लाभ पहुंचाने की भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए 118 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 करोड़ रुपए देंगे, जिससे कि विकास रफ्तार के साथ होता रहे। श्री राजेश, पंचकुला विकसित पंचकुला हमने अपने बचपन से हम देख रहे हैं, एक छोटे गांव से एक शहर बनता ध्यान में आया, लेकिन जिन्होंने पंचकुला बनाया तो इसलिए था कि प्रवेश द्वार ऑफ हरियाणा पंचकुला इस देश की मिनी राजधानी, यहां के कितने ही दफ्तर हमारे प्रदेश के जो राजधानी के दफ्तर होते हैं वो पंचकुला में है। जिस गति से यह विकास होना चाहिए था वो शायद पूर्व की सरकारें हैं इसको छोड़कर और विकास के नाम से गुरुग्राम पहले पहुंच गए। तो पंचकुला ये क्या गुरुग्राम के बराबर नहीं बन सकता? पंचकुला ये गुरुग्राम के बराबर बन सकता है। हमने इसका काम शुरू कर दिया है, गुरुग्राम के विकास की नींव रख दी है। और अगर आपने देखा हो तो जैसे गुरुग्राम में गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी GMDA बनाया, उसी प्रकार से हमने 3 महीने पहले घोषणा की थी कि पंचकुला में भी PMDA बनाया जाएगा। और आज मुझे खुशी है कि उस PMDA की विधिवत शुरुआत ये आज से कर दी गई है। हमने शिक्षा में बहुत काम किया, शिक्षा के अंदर बच्चों की शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए नए प्रकार के स्कूल, संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हमने, बच्चों के लिए प्ले वे स्कूल ये बनाए, कामकाजी महिलाओं के बच्चों को संभाल करने के लिए क्रच खोले जा रहे हैं, स्कूलों में पढ़ाई अच्छी हो, पढ़ने के बाद उनको स्किलिंग के सेंटर में स्किल पाए ताकि वो रोजगार जाके कर सके। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, खेती में, यातायात में, हर चीज, गांव के लोगों को उनके मकान का मालिकाना हक मिले, इसके लिए स्वामित्व योजना बनाई है। हरियाणा इस योजना में सबसे पहला नंबर आया है देश में, सबसे पहले नंबर, हर किसी परिवार को उसके घर का मालिकाना हक मिल जाए ये हम कर रहे हैं। छोटे छोटे डिमांड्स ग्रामीण क्षेत्र की, गांव की या नगर पालिकाओं की, चाहे वो पंचकुला है, चाहे नगर निगम पंचकुला या कालका पिंजौर की हमारी नगर पालिका है, इन्होंने जो छोटे काम रखे हैं दिए हैं, हमने ये कहा है कि हम तो आपको पैसे दे देंगे, ये काम अपने आप अपनी जगह पर आप कराओ, ये काम कराने की छूट हमने दे दी है। और पैसे तय कर दिए हैं, इस साल ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 45 करोड़ रुपए दे देंगे और शहरी क्षेत्र के अंदर 118 करोड़ रुपए दे देंगे, ऐसा कुल मिलाकर के 163 करोड़ रुपया ये हमने मंजूर कर दिया। ये साल भर के लिए है, ये नहीं कि आज कर दिया 3 महीने बाद फिर माफ करो, इस साल का 2022-23 का ये 163 करोड़ रुपया ये आपको केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, ये बजट सारा आएगा। आपने तो बजट बनाना अपने काम उसमें से कराए हैं। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी सम्मान निधि दे रहे हैं, प्रधानमंत्री श्रमजीवी ये सम्मान निधि दे रहे हैं, ये भी 6,000 का साल का मिलता है, कैश मिलता है। लेकिन हमने कहा हम जो स्कीमें हैं उस स्कीमों का जो आपके जिम्मे का प्रीमियम है, जो पैसा आपने देना है आपकी बजाय हम देंगे, आप तो केवल साइन करके कागज हमको दे देना। कोई घर में दुर्घटना हो जाए 2 लाख रुपए का हकदार हो जाता है, कोई बीमार है उसका पैसा आप खर्च नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना ये बनाई है, इसमें अभी तक बहुत परिवार नहीं आते थे, सिर्फ 15.5 लाख परिवार हरियाणा के आते थे, हमने कहा नहीं, 1,80,000 से नीचे आज लगभग 28 लाख परिवार है
15 प्रधानमंत्री जन दिए, बाकी 13 लाख परिवारों की जिम्मेवारी ये हमारी है, हम हरियाणा सरकार से वो पैसे देंगे, 5 लाख रुपए तक का बीमा सबका कराएंगे। हमने 13 लाख परिवार को भी जोड़ दिए, धीरे धीरे उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अभी 3 लाख तक का रजिस्ट्रेशन हो गया है, ये आगे बढ़ेगा। कोई गरीब परिवार उसका फॉर्म जरूर भरवा दीजिए, केवल साइन करके देने का काम ये आपका है, आप करें।